हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ई विद्यालय दी लर्नालय। सो गाइस अगेन आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स में प्लस माइनस का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेसिक। गाइस अगेन ये वो बेसिक है जिससे रिलेटेड कॉमन एंड सिली मिस्टेक्स एग्जाम्स में और टेस्ट में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं एंड द टॉपिक इज नन अदर देन एडिशन ऑफ प्लस माइनस साइन, यानी प्लस और माइनस के साइन का जो एडिशन होता है वो किस तरीके से होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम सीखेंगे इसके बारे में। गाइस रूल्स कुछ ऐसे बोलते हैं कि जब भी आप एक प्लस के साइन को प्लस करते हो प्लस के साइन के साथ तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू प्लस में आती है, जब आप एक प्लस के साइन को प्लस करते हो माइनस के साइन के साथ तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू माइनस में होती है, लेकिन जो साइन आता है वो साइन आता है लार्जर नंबर का, साइन ऑफ लार्जर नंबर। जब आप माइनस को प्लस करते हो प्लस के साथ तो भी आपका जो रिजल्ट होता है वो माइनस होता है, लेकिन जो साइन आता है वो साइन आता है साइन ऑफ अगेन लार्जर नंबर। और जब आप माइनस को प्लस करते हो माइनस के साथ तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू प्लस होती है, लेकिन जो आपका साइन होता है वो आता है माइनस का, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर है कि अगर हम प्लस दो प्लस के नंबर्स को प्लस करेंगे तो वो प्लस में आएंगे, लेकिन अगर हम एक प्लस और एक माइनस को प्लस करेंगे तो होगा माइनस, होगा वो सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। जब हम माइनस को प्लस करेंगे प्लस के साथ तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस होगा, यानी उसका इंपैक्ट क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? साइन ऑफ लार्जर नंबर। जब आप माइनस को माइनस के साथ प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। सो गाइस ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम में हम करते हैं, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं 3 को प्लस करता हूं 4 के साथ तो क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 होता है और साइन भी किसका आता है? प्लस का, तो मेरे रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी? 7। दूसरा, जब मैं एक प्लस और एक माइनस लेता हूं, एक प्लस और एक माइनस लेता हूं, यानी एक मैंने नंबर लिया 3 का और यहां पे इसको मुझे प्लस करना है किसके साथ? माइनस 4 के साथ, तो 3 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस 4, रिजल्ट किसमें आएगा? माइनस में, लेकिन साइन ऑफ द लार्जर नंबर, तो प्लस 3 में से माइनस 4 गए तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका? बड़े का, और बड़ा नंबर कौन है? 4, तो योर आंसर वुड बी माइनस 1। फिर चलते हैं अगले साइन पे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, माइनस प्लस। अगर हमारा नंबर है माइनस का 3 और प्लस का 4, जब आप माइनस प्लस करते हो तो रिजल्ट किसमें आता है? माइनस में, लेकिन साइन किसका आता है? लार्जर नंबर का, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि 3 में से 4 जाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका होगा? बड़े का, और बड़ा कौन है? 4, और 4 का किसका साइन है? 1 का, तो आपका क्या आएगा? प्लस 1। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप माइनस को प्लस करते हो माइनस के साथ तो आपका रिजल्ट किसमें आता है? प्लस में, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का, यानी अगर आप माइनस के 3 को माइनस प्लस करोगे माइनस के 4 के साथ तो माइनस 3 और माइनस 4 कितना आएगा? 7, लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का आता है। सो गाइस आई होप कि ये जो बेसिक रूल है प्लस माइनस के साइन का ये आपको क्लियर है और इसमें अब हम गलती नहीं करेंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन देते फटाफट से, जब भी प्लस को प्लस के साथ प्लस किया जाता है तो आंसर प्लस में आता है, जब प्लस को माइनस के साथ प्लस किया जाता है तो इसका रिजल्ट होता है माइनस में, लेकिन साइन आता है बड़े वाले नंबर का, जब माइनस को ऐड किया जाता है प्लस के नंबर के साथ तो रिजल्ट माइनस में होता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है? लार्जर नंबर का। जब माइनस को माइनस के साथ ऐड किया जाता है तो साइन किसका आता है? माइनस का, लेकिन रिजल्टिंग वैल्यू क्या होती है? प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका? माइनस का। सो गाइस आई होप कि ये बेसिक जो है ये आपको क्लियर है और एग्जाम्स में अपने टेस्ट में ये गलती आप नहीं करोगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू बेसिक्स, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पढ़ते रहो।